हाँ तो ये है अंधभक्तों के चहीते सर का ताज मनीष कश्यप, और इन्होंने अभी अभी पठान मूवी को लेकर किस तरह से विवाद और किस तरह से हिंदू मुस्लिम का गेम खेला और किस तरह से पठान मूवी को लेकर जो है बॉयकॉट और बहिष्कार वगैरह चलाया और कितना नफरत, हद से ज्यादा नफरत, कितना नफरत फैलाया है ना जबरदस्त तरीके से। इन्होंने तो बेट भी लगा लिया था कि पठान मूवी तो लिख कर ले लो कि फ्लॉप, भविष्यवाणी भी कर दी थी। इनको अपना खुद का अता पता नहीं है भविष्य का, इनके भविष्य में इनको पता ही नहीं था कि इनको इतने लात जूते पड़ने वाले हैं। तो जी हाँ, इन बहुत दिन बाद ये जो है माइक पकड़े हुए पब्लिक में नजर आए, किसी ने इनको पहचान लिया, अरे ये मनीष कश्यप। उसके बाद क्या हुआ आपके स्क्रीन पर आप खुद ही देखिए। आपको चेहरा पहचान लीजिए तो चुतिया नहीं है, कैमरा लेके चल रहे हो तो सोचो बहुत पढ़ा रहा है, कभी तुम बैठ के तुम डिबेट कर लो, क्या तुम सोच रहा है पगला, मैंने पीछे से ले रहा था, क्या तुमने डिस्टर्ब किया मैंने, मैंने सब था मनीष कश्यप है सस्ता की दिखाता है, मैंने सब पीछे से ले लिया, सलीका यार बिल्कुल दहिया तुम्हारा, सलीका निकला मेरे ब्रदर, अच्छा तुम बहुत दहिया निकल गए, उसके बाद से बात करेंगे, क्या बात, क्या बात करेगा, क्या है तुमसे बात मनीष भाई तो देखिए मनीष की इज्जत अफजाई कितनी इसकी इज्जत है, ठीक ना। हाँ तो वो क्या है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो तुम बोओगे वही काटोगे, नफरत तुमने बोया तो नफरत की पैदावार तुम्हारे सामने खड़ी हो गई, है कि नहीं, है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भाई मुझे तो ये वीडियो देखकर बड़ा मजा आया, मनीष की इज्जत अफजाई सच में, और ये टाइटल भी अपना थंबनेल भी यही लगाऊंगी, मनीष कश्यप की इज्जत अफजाई, अंधभक्तों के सरताज मनीष कश्यप। जी हाँ, तो बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि इसकी जो है वीडियो काफी शेयर होती है, तो शेयर होनी बहुत जरूरत है। जी हाँ, ताकि जो है अनभक्तों के को पता चले कि उनके सरताज का बताओ क्या हाल हुआ, इतनी मेहनत की थी इन लोगों ने पठान को जो है फ्लॉप करने के लिए बेचारे।